उनका स्वागत करते हुए और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूं जब नासिर भाई का फोन आया कि आपको इसमें रहना है, शामिल होना है, तो मुझे लगा इससे ज्यादा सौभाग्य क्या हो सकता है। ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿੱਤੀ ਜੀ, ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ। कि एक इतने वरिष्ठ नेता को फिर से हम लोग अपने परिवार में, और दूर नहीं गए थे, दिल से दूर कभी नहीं हुए थे, मैं उनका स्वागत करता हूं। पूरे कांग्रेस पार्टी परिवार की तरफ से राम जतन सिन्हा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हें फिर से शामिल करने की एक जो रस्म अदायगी है वो पहले कर लें, फिर चर्चा करते हैं। मैं हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। आदरणीय पवन जी के बोलने के बाद ज्यादा कुछ बोलने के लिए रह नहीं जाता है, मल्लीनाथ की तरह भाष्य करना हम लोगों के हिस्से में बचता है। जैसा इन्होंने बताया, छात्र आंदोलन से इनका करियर शुरू हुआ और जो उस जमाने के लोग हैं सभी लोग जानते हैं कि छात्र संघ का चुनाव लालू जी को हरा के ये जीते थे और फिर इनका पॉलिटिकल करियर बिहार सरकार में मंत्री हुए, 4 बार विधायक बने और लंबे समय तक इन्होंने राजनीति से अपना जुड़ाव न केवल रखा बल्कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हुए और इनके कार्यकाल में कांग्रेस को काफी ख्याति मिली थी, जमीन पर कांग्रेस मजबूत हुआ था। हम स्वागत करते हुए इनका ये कह सकते हैं कि इनके मार्गदर्शन में निश्चित रूप से आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें फिर से संगठन को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस परिवार में भी उत्साह का संचार होगा। हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में फिर से इनका दिल से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इनके मार्गदर्शन में हम लोगों का संगठन धारदार और जमीनी स्तर पर और मजबूत होगा। बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं कि आप दोनों का फ्लाइट है, लेकिन फिर भी मैं आग्रह करूंगा रामजतन सिन्हा जी से 2 शब्द, वो भी हम लोगों के टीचर भी रहे, मैं साइंस कॉलेज में पढ़ाए भी। बहुत बढ़िया। आदरणीय पवन जी, नासिर हुसैन साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी,
और मीडिया के उपस्थित महानुभाव, जो भाव व्यक्त किया है पवन जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं अपने को उनके भावनाओं के अनुरूप सही साबित कर सकूं। यहां आकर के बिल्कुल मैं अभिभूत हूं, जिस तरह से अपने घर वापसी में मुझे भाव और सम्मान मिला, और यह बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस में नहीं रहकर भी मेरा संबंध कांग्रेसजनों से बना रहा। आदरणीय पवन जी चुनाव में पटना गए थे, मैं कांग्रेस में नहीं था, उस समय भी उनसे मेरा मिलना जुलना और बातचीत होते रहा। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पहल और प्रयास से यह संभव हो सका, और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उनके कामों में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेंगे, मेरी जो भी क्षमता है, और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगाएंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राम जतन सिन्हा साहब।